देश में सबसे जोरों की जो मुद्दा है किसानों की है, संसद हो या सड़क, चारों तरफ किसानों की विमर्श चल रही है। हालांकि जो देश की मेन स्ट्रीम की मीडिया है वहां से किसानों के मुद्दे गायब हैं और वहां पे रिया सुशांत .com जैसे मुद्दे हैं जिससे देश की जनता का कहीं कोई लेना देना नहीं है। मैं बात कर रहा हूं इस समय जो संसद में 3 कृषि सुधार विधेयक पारित हुए हैं जिसको लेकर के पूरे संसद में जहां हंगामा बरस रहा है तो वहीं किसानों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आगे आना पड़ा और वो कह रहे हैं कि जो नए कानून पारित हुए हैं ये किसानों के लिए लाभकारी हैं। लेकिन किसानों का ये कहना है कि ये किसानों को गुलाम करने के लिए कानून लाए गए हैं। जैसे आज़ादी के पहले नील की खेती की जा रही थी, अंग्रेजों के द्वारा किसानों को गुलाम किया गया था, वही अब माध्यम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाने जा रहे हैं जिससे किसान बड़ी बड़ी कंपनियों के गुलाम बन जाएंगे, जिसको लेकर के संसद में हंगामा हुआ और हंगामे के बीच में ही तीनों कानून पारित कर दिए गए। विपक्ष के सांसदों ने राज्यसभा में इस कदर हंगामा किया कि राज्यसभा के जो सभापति हैं वेंकैया नायडू ने 8 सांसदों को निलंबित कर दिया है। अब वो जो 8 सांसद हैं संसद भवन के परिसर में ही लगातार धरने पर बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो कानून पारित हुआ है उसे रद्द किया जाए, क्योंकि ये जो कानून पारित हुए हैं इससे किसानों की जो नुकसान तो होगा ही, आने वाले समय में बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों को गुलाम बना लेंगी। राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ये तर्क दे रहे हैं कि जो ये कानून है इससे मंडी प्रणाली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और जो किसानों के जो उत्पादन था उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू था वो खत्म हो जाएगा। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जब किसान मंडी में ले नहीं जाएंगे, बाहर बेचने के बाद ये होंगे, तो जो व्यापारी हैं वो मनमाने तरीके से किसानों का जो उपज है वो खरीदने को मजबूर होंगे। किसान यहाँ पर अपनी फसल तो बेच मनमानी तरीके से पाएगा नहीं, क्योंकि जो मंडियों में किसान ले जाते हैं जो सरकार का न्यूनतम मूल्य होता है उस पे किसान बेचता है, उससे किसान को लाभ मिले या न मिले, लेकिन जो वर्तमान समय में सरकारी नीतियां हैं उससे किसान को राहत मिलती थी। लेकिन जब व्यापारी जो हैं या बनिया प्रणाली है अपने मनमाने रेट से किसानों का जब धान खरीदेंगे, गेहूँ खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है किसान बर्बादी के कगार पर हो जाएंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है, जो धान गेहूँ जैसे फसलें थी उनको आवश्यक वस्तुओं से बाहर निकाल दिया है। जब ये चीज़ें आवश्यक वस्तुओं से बाहर निकाल दी गई तो जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े आढ़ती हैं, उनको इनका भंडारण करने की खुली छूट मिल जाएगी। इसका आशय ये होगा कि जो सीजनी होंगी, सीजन के समय ये भारी मात्रा में किसानों की फसलों को खरीद करके अपने गोदामों में एकत्रीकरण कर लेंगे और जब हम आपको ज़रूरत पड़ेगी गेहूँ की, धान की या तमाम राशन की, तो व्यापारी अपने अनुसार रेट तय करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसानों से वो 20 रुपये में गेहूँ खरीदते हैं, जब आपको आपके पास राशन बचेगा नहीं, वो भंडारण कर लेंगे, तो उसी भंडारण का जो है अपने मनमाने तरीके से रेट लगाएंगे। जैसे इस समय आपको देखने को मिलेगा जो किसानों का जो मक्का होता है वो उसे 10-5 रुपये खरीदते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियाँ रिलायंस हुए, डीमार्ट हुए, तमाम उसी मक्के को 80-85 रुपये में बेचती हैं। आशा यह हुआ कि जब किसानों के हाथ से निकल जाएगा फसल तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मनमानी तरीके से दाम तय करेंगी, एक तरह से किसान लूटा, और फिर जब आप ग्राहक बन के खरीदेंगे तो आप लूटेंगे। तो यही जो राज्यसभा के सांसद हैं इसी मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं कि जो नया कानून पारित हुआ है कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए आने वाले समय में नुकसानदायक सिद्ध होगा। सरकार को इन जो विधेयक पारित किए गए हैं इनको तत्काल रद्द किए जाएं। इसके पीछे तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जब देश में लॉकडाउन था उस दौरान देश की जो स्थिति पूरी तरीके से बदहाल थी, उसी समय जो देश के किसान थे, जो किसानों की संख्या जो है देश में अभी तक 65% है, इन्हीं किसानों ने फसल का उपजाऊ किया और उन्हीं के बल पर पे किसान को जो सरकार को लाभ हुआ था तो किसानों के दम पे हुआ। देश की पूरी जो फैक्ट्री थी, तमाम जो उद्योग थे डंप हो गए थे, लेकिन किसान सरकार के साथ खड़े रहे, किसानों का उत्पादन हुआ और सरकार ने उसे बकायदा खरीदा और कहीं ना कहीं जो GDP में वृद्धि थी वह कृषि क्षेत्र में थी। इसके बावजूद इसी लॉकडाउन के समय सरकार एक अध्यादेश लाती है, 3 अध्यादेश लाती है। आपको बता देना चाहते हैं कि अध्यादेश तब आता है जब देश में संसद नहीं चल रही होती है, कोई अति आवश्यक कानून होता है उसके लिए अध्यादेश लाना पड़ता है। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि जब लॉकडाउन था किसान उस समय कहीं ना कहीं देश के लिए मजबूत थे, इसी समय अध्यादेश लाने पड़े। यही 3 अध्यादेश थे जो अब संसद में कानून बन गए हैं, जिसका विरोध राज्यसभा में लगातार चल रहा है, 8 सांसद निलंबित हैं। अब देखते हैं कि सरकार की रणनीति क्या होती है, क्यों, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो लगातार इसके पक्ष में अपना समर्थन दे रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं कि इससे किसानों का जो नुकसान नहीं होने वाला है,
मंडी प्रथा नहीं खत्म होने वाली है, इसके लिए प्रधानमंत्री ने बकायदा प्रेस रिलीज भी जारी किया है। लेकिन किसानों में कहीं ना कहीं आक्रोश व्याप्त है। अगर आप भी किसान हैं, अगर इस चैनल को देख रहे हैं, तो जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दें कि ये इस कानून को आप कैसे देखते हैं। इससे क्या मंडी प्रणाली खत्म हो जाएगी, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, जैसा कि विपक्ष का तर्क है, वहीं सरकार का तर्क है कि किसानों को नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप किसान हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिए और अपना कमेंट इस बॉक्स में दीजिए क्या आपका राय है। नमस्कार।